ये मेरा सौभाग्य है कि मैं भारतवर्ष के दो ही महाकाव्य महाभारत जो मैं कर चुका हूँ और अब रामायण कर रहा हूँ, तो ये मेरा सौभाग्य है। मेरे लिए लाइफ में भगवान से बड़ी कोई चीज़ नहीं है, सो आई रियली अर्ज एंड होप कि लोग श्रीमद् रामायण देखें, क्योंकि बहुत ब्यूटिफुली इसमें हर चीज़ को दर्शाया गया है, हर चीज़ को दिखाया गया है। मैं तो इनके साथ महाभारत कर ही चुका हूँ, लेकिन महाभारत के बाद 10 साल महाभारत के लिए मैंने इनके साथ कुछ भी नहीं किया। उन्होंने जब मुझे कहा कि हम श्रीमद् रामायण बना रहे हैं तो आप आइए मिलिए, तो मैंने कहा मैं क्या करूँगा उसमें, राम तो मैं कर नहीं सकता। बोले नहीं, मुझे लगा शायद रावण क्यों, तो बोले नहीं हम चाहते हैं आपका शर्त। मुझे एक्चुअली अपने करियर में बहुत कम रोल हैं, 2-3 रोल हैं जो करने में बहुत मज़ा आया था, उनके बाद अब फाइनली आई एम सुपर एक्साइटेड एंड आई एम रियली 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 हैप्पी कि मुझे कैकेयी का रोल मिला है। हमारे इस शो की शुरुआत दशरथ से होती है, और दशरथ का जो किरदार है वो दशरथ कैसे बने, पहले उनका क्या नाम था, उस पूरी कहानी, फिर एक और है उस युद्ध के अंदर में कैकेयी और दशरथ दोनों जाते हैं और क्या होता है, वो इतनी सुंदरता से उन्होंने लिखा है और वैसे ही हमने उसे फिल्माया भी। नमस्कार आप सभी को, आप सभी को जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। मैं आपसे स्टार्ट करता हूँ, मैम क्या कुछ कहना चाहेंगे, रामायण आ रहा है इस बार, कई यूथ के लिए और कई बच्चों के लिए अच्छा साबित होगा, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगी कि आज के यूथ, ना सिर्फ यूथ, I think so much is happening in the world that everybody needs that one reason to latch on to. आप वो एक ray of hope पे latch on करना चाहते हैं, and मेरे लिए life में भगवान से बड़ी कोई चीज़ नहीं है, so I really urge and hope कि लोग श्रीमद् रामायण देखें, क्योंकि बहुत beautifully इसमें हर चीज़ को दर्शाया गया है, हर चीज़ को दिखाया गया है। एंड अगर आप यूथ की बात करें तो आई एम प्रीटी श्योर द यूथ कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम अ शो लाइक दिस। सो या अब अलग से किरदार निभा रहे हो, तो इस एक किरदार निभाने में आपको कितना मजा आ रहा है? मुझे एक्चुअली अपने करियर में बहुत कम रोल हैं, 2-3 रोल हैं जो करने में बहुत मज़ा आया था, उनके बाद अब फाइनली आई एम सुपर एक्साइटेड एंड आई एम रियली 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 हैप्पी कि मुझे कैकेयी का रोल मिला है। सुनने में बहुत अजीब लगता है, बिकॉज कैकेयी का जो कैकेयी की जो छवि है लोगों के दिमाग में, वो पिछले जो जिस तरीके से उन्हें दर्शाया गया है उससे बहुत अलग है, बट श्रीमद् रामायण में बहुत अलग तरीके से कैकेयी को दिखाया गया है। आई एम रियली थैंकफुल एंड रियली हैप्पी कि मैं निभा पा रही हूँ ये किरदार। तो मैं वेरी ऑनेस्टली पहला मेरा रिएक्शन नो ही था, क्योंकि मेरी एक साल की बच्ची है और मैं उन्हें छोड़कर वगैरह डेली सोप ये तो बिल्कुल भी नहीं करने का सोच सकती थी, बिकॉज इसमें यू नीड टू पुट इन अ लॉट मोर, बट जब भगवान को कुछ करवाना होता है तो वो कैसे कहाँ से क्या करते हैं, अल्टीमेटली वही होता है जो भगवान चाहते हैं, तो भगवान चाहते थे कि मैं ये करूं और आज मैं आप लोगों के सामने बैठी हूँ। मैं तो इनके साथ महाभारत कर ही चुका हूँ, लेकिन महाभारत के बाद 10 साल महाभारत के लिए मैंने इनके साथ कुछ भी नहीं किया। तो उन्होंने जब मुझे कहा कि हम श्रीमद् रामायण बना रहे हैं तो आप आइए मिलिए, तो मैंने कहा मैं क्या करूँगा उसमें, राम तो मैं कर नहीं सकता। तो बोले नहीं, मुझे लगा शायद रावण क्यों, तो बोले नहीं हम चाहते हैं कि आप दशरथ, दशरथ कुछ करने को क्या हो, बोले नहीं आप आके मिलिए तो सही। तो मेरा रिएक्शन भी कुछ इन जैसा ही था, तो मैंने कहा ठीक है मैं मिल लेता हूँ, मैं गया और फिर उन्होंने नरेट किया। तो जैसा मैंने पहले भी कहा कि ये मेरा सौभाग्य है कि मैं भारतवर्ष के दो ही महाकाव्य महाभारत जो मैं कर चुका हूँ और अब रामायण कर रहा हूँ, तो ये मेरा सौभाग्य है। और
जब इन्होंने मुझे नरेशन दिया और मुझे बताया कि दशरथ की कहानी हमारे इस शो की जो शुरुआत दशरथ से होती है और दशरथ का जो किरदार है वो दशरथ कैसे बने, पहले उनका क्या नाम था, उस पूरी कहानी, फिर एक वॉर है उस युद्ध के अंदर में कैकेयी और दशरथ दोनों जाते हैं और क्या होता है, वो कितनी सुंदरता से उन्होंने लिखा है और वैसे ही हमने उसे फिल्माया भी है। तो वो मेरे लिए बहुत बहुत ही सौभाग्य की बात है कि मैं ये कर रहा हूँ एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू द शो। आपने सेट पे नहीं देखा इनको नहीं देखा और अभी आप एकदम कैकेयी के रोल में घुस रही है जी। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, एक तो एज एन एक्टर आपको कितना चैलेंजिंग लगा, दूसरा ये कि आपका एक फैन फॉलोइंग है, वो आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से लगा जी? तो मैंने एक्चुअली बहुत सारे ऐसे रोल्स किए हैं जहाँ मैं बहुत सेमी सी, बहुत प्यारी सी, बहुत अच्छी मेरी सी, तरफ क्यों देख रही हैं आप? बहुत गुड गर्ल हूँ, बट दैट्स टिपिकली अ बहू ऑफ एनी डेली सोप। तो मैंने वैसे बहुत शोज किए हैं, बट मैंने एक सबैटिकल लिया था 5 साल का, उसके बाद जब मैंने अपना कमबैक किया था तो मैंने जानबूझ के एक नेगेटिव शो के साथ एक कमबैक किया था, क्योंकि मैं खुद के लिए वो बैरियर ब्रेक करना चाहती थी। तो जो आप कह रही हैं मुझे वो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ and I personally think it's a lot more fun to play a negative character as opposed to a positive character. मज़ा ज़्यादा आता है, लेकिन श्रीमद नारायण में रामायण में श्रीमद रामायण में कैकेयी का character बिल्कुल भी negative नहीं है, in fact it's every character is very human, very real. वो एक पत्नी भी हैं, वो एक partner भी हैं, वो एक माँ भी हैं, वो एक मित्र भी हैं टू द स्टेप वाइव्स, शी इज एवरी थिंग एंड शी इज वेरी हैप्पी एंड शी इज वेरी कूल, आई एम इन लव विद कैकेयी। दशरथ की भी मित्र है, वो दशरथ की भी मित्र है, सो आई थिंक या मतलब परसेप्शन जो भी हो, बट प्ले करते करते आई थिंक कैकेयी इज वन ऑफ द कूलेस्ट कैरेक्टर्स दैट आई नो, इट्स रियली कूल। सवाल समझ सवाल समाप्त। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।